हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इजी पेपर क्राफ्ट बनाना सीखेंगे क्रिसमस के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे एंटिक ड्राइंग चैनल में। सबसे पहले सेंटा क्लॉज बनाने के लिए दो ओरिगेमिक पेपर आपको लेना है, रेड एंड वाइट कलर का। फिर हम वाइट कलर के ऊपर ग्लू को चिपकाएंगे, लेकिन हाफ पोजिशन में आपको ग्लू पूरा स्टिक करना है। आधे हिस्से में ही आपको वाइट पेपर के ऊपर ग्लू लगाना है। फिर हम रेड पेपर को इस तरह स्टिक करेंगे, जिसमें वाइट का हिस्सा कम दिखेगा, रेड का ज़्यादा। एक और आपको रेड पेपर लेना है ऑर्गेनिक पेपर का, इसे कोन की तरह आपको फोल्ड करके स्टिक करना है। देख सकते हैं हमारा कोन रेडी हो गया है। फिर हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा जो वाइट पेपर है वो ऊपर की साइड आना चाहिए और रेड पेपर हमारे नीचे बॉडी की साइड आना चाहिए। वाइट पेपर यानी कि फेस हो गया, रेड बॉडी हो गई। इस तरह आपको स्टिक करना है लंबाई में। कोन को हमें कैप के सर्कल के रूप में कट करना है, इसलिए जो एक्स्ट्रा पीस है उसे आप सीजर की मदद से कट कर लीजिए, ताकि ये कोन पूरा प्रॉपर तरीके से बन जाए। एक्स्ट्रा जो था उसे हमने कट कर लिया, हमारा कोन रेडी है। इस तरह ये सेंटा क्लॉज का कैप बन गया है। अब हम आगे के ओर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कोन के ऊपर कॉटन को स्टिक करना है, इसीलिए हमें ग्लू की मदद से कोन के ऊपरी हिस्से ऊपर के पार्ट में हमने कॉटन स्टिक कर लिया है। अब इस रोल को, जो वाइट एंड रेड कलर का रोल है बॉडी एंड फेस सेंटा क्लॉज का, इसमें हम ब्लैक रिबन को इस तरह स्टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लाइनिंग के ठीक नीचे होना चाहिए। आपको रेड एंड वाइट के जो लाइन है उसके ऊपर नहीं स्टिक करना है, ठीक नीचे स्टिक करना है, ताकि ये फेस एंड बॉडी दोनों ही दिखे। इसे आपको लाइन को छुपाना नहीं है ब्लैक रिबन से। अब हम वाइट एक ऑर्गेनिक पेपर को स्क्वायर शेप का कट करेंगे और इसे ब्लैक रिबन के ऊपर स्टिक करेंगे, जैसे कि एक ड्रेस की पट्टी होती है, इस तरह का लुक देगा। फिर हम मार्कर पेन की मदद से 4 डॉट दे देंगे स्क्वायर के ऊपर, जैसे कि एक डायल्स का शेप हो जाता है, उस तरह से हमें 4 सर्कल देना है। बटन का लुक देगा ये सेंटा क्लॉज के ड्रेस का। कैप को स्टिक कर लीजिएगा। फिर हम गूगली आइज लगाएंगे, बिग साइज़ का भी आप लगा सकते हो, स्मॉल साइज़ का भी। आप चाहो तो गूगली आइज़ ना लगा के ड्रॉ भी कर सकते हो आइज, बट अगर आप गूगली आइज़ स्टिक करोगे तो बहुत बेहतर दिखेगा। फिर हम एक मार्कर पेन से नोज़ को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेगा आप, स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद स्माइलिंग आपको बनाना है, फेस लिप आपको बनाना है रेड कलर से स्माइलिंग करते हुए, देख सकते हैं। इसके हम कैप को स्टिक करने के लिए सर्कल के ऊपर ग्लू लगा रहे हैं, ताकि ये कैप हिले नहीं बल्कि एकदम स्टिकली चिपक जाए, वरना कैप बार बार गिरने का डर रहता है। अब हम फेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर कॉटन को स्टिक कर सकें, जो कि एक सेंटा क्लॉज का फेस के रूप में प्रॉपर तरीके से दिखेगा। इस तरह आपको कॉटन बॉल को राउंड शेप में करते हुए स्टिक करते जाना है। देख सकते हैं ये ओल्ड मैन की तरह लुक आ गया है, जैसे कि सेंटा क्लॉज दिखते हैं। वैसे हमारा पेपर क्राफ्ट रेडी हो गया है, बहुत इजी है। स्कूल में क्रिसमस के लिए बच्चों से पेपर क्राफ्ट का ये सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, तो आप इजीली बनवा सकते हैं और स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। तो हमारा ये दो प्यारे से सेंटा क्लॉज रेडी हो गए हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस पेपर की मदद से आपको सेंटा क्लॉज बना सकते हो आप। जस्ट कॉटन और पेपर की ही मदद ली है हमने। अक्सर स्कूलों में क्रिसमस में पेपर क्राफ्ट का काम दिया जाता है प्रोजेक्ट के रूप में, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह आप अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या स्कूल के क्राफ्ट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।